Let's start. Yes, me. A very good evening to all three of you. Thank you. We talked to Tiger Fair and he said like all the credit goes to you for this. Haqeeqat hai na, obviously he'll be modest and say Tiger ka. Before we even had a script, मुझे याद है अहमद सर ने मुझे वो हेलीकॉप्टर सीक्वेंस पूरा नरेट कर दिया तो यू नो ही वाज सो क्लियर व्हाट ही वांटेड इन टर्म्स ऑफ एक्शन एटलीस्ट द विजुअल्स एंड ऑल दैट यू सी हियर दिस वाज ऑलरेडी इन हिज माइंड बिफोर वी इवन हैड अ स्क्रिप्ट इन प्लेस सो यू नो दैट्स व्हाई आई क्रेडिट टू ऑल टू हिम बचपन से ये बहुत टैलेंटेड और मतलब इमेंस पोटेंशियल है यू डिफाइन हाउ यू थॉट ऑफ दिस विजन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्हेन यू हैव सर्टेन एक्टर्स उसके हिसाब से आप सोचते हो कि हम ये फिल्म बनाएंगे और ये करेंगे मेरे पास दो चीज़ थी बागी एंड टाइगर श्रॉफ तो विद टाइगर एडवांटेज इज दैट आपको सिर्फ सोचना है यू हैव टू जस्ट थिंक कि ऐसा करना है एंड यू नो हैव टू आस्क हिम ऑल्सो तो मैंने वो सब चीज़ सोच ली जो एक बचपन में हम सोचते थे ना ऐसा करेंगे यहाँ से छलांग मार लेंगे चॉपर गिरा देंगे तो वो सब सोचा एंड टाइगर वॉज द बॉय हु मैं अगर कहता था कि टाइगर वी नीड टू डू दिस ही सेज कैन वी डू देयर तो दैट वॉज द मोस्ट एनकरेजिंग थिंग एंड देन स्काई वॉज द लिमिट व्हेन यू हैव साजिद नडरवाला एज अ प्रोड्यूसर एंड बागी टू बन रही है वन से थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करके एक्शन को स्केल पे ले जाना था टाइगर हैड टू बल्क अप मोर ही हैड टू गिव अप हिज हेयर विच ही लव द मोस्ट And there he is a refined Tiger Shroff in front of us doing action. आपने बड़ा नोटिस किया हो सर? अरे मैं उस टाइम पे लुकआउट में था ना सर, तो इसलिए मुझे थोड़ा छुपा के रखना था। शॉट टाइम लास्ट तो चालू होते तो फिर वो कहाँ? नहीं नहीं प्लीज। दिशा, you were tempted to do those scenes also when That you'll see in the film. How do you know she doesn't have action in the film? You have to see the film. So you wait. जी हकीकत ये कि उनको हमेशा मतलब थोड़ा अलग रखता मैं प्रोफेशनल लाइफ से खासकर क्योंकि आई डू सच डेंजरस थिंग्स ऑन स्क्रीन तो आई डोंट टेल हिम द नाइट बिफोर यू नो दैट आई एम डूइंग अ डेंजरस एक्शन सीक्वेंस आई थिंक नेचुरली मेरे पापा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन तो लेंगे वैसे तो बहुत बिंदास किस्म का इंसान है इस मामले में थोड़ा मतलब घबराहट है बागी टू में ऐसे कई सिचुएशंस हैं एक फॉर एग्जांपल क्योंकि ट्रेलर में है सो आई टॉक अबाउट दैट वन हेलीकॉप्टर सीक्वेंस जो है वो जंप करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि यू नो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर देयर सच एज वो एक तो वो फैन का जो फोर्स था वी यूज वेरी यू नो द आर्मी चॉपर्स इन थाईलैंड वेरी पावरफुल चॉपर नॉइज पोल्यूशन नॉइज बहुत ज़्यादा था और वो फोर्स बहुत ज़्यादा था तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दोज टू फैक्टर्स प्लस डस्ट में आँख में आ रहा था तो आँखी में आ रहा था तो वेन आई टू रन आई टू गेट डस्ट पार्टिकल्स हिटिंग मी ऑल्सो वेन आई टू टेक अ लीक यू नो आई कुड फील द प्रेशर दैट तो कभी कभी ये आता था दिमाग में यार व्हाट इफ इट पुशेज मी टू मच आई माइट मिस द चॉपर एंड द वर्स्ट थिंग वॉज जहाँ टाइगर खड़े थे हमारे पास 10 या 12 कैमराज थे एंड एक बार जब वो चॉपर आते थे यू कांट हियर एनी थिंग माइक वी हैड 4 माइक्स ऐसे चिल्लाते थे टाइगर काट बट ही इज टू नॉट बी एबल टू हियर इट एंड हमें इतना स्ट्रेस होता था कि वो चॉपर करेक्ट खड़ा है कि नहीं डिस्टेंस करेक्ट कितनी बार चॉपर वाले अंदर से हमको बोलते थे नो बट ही कांट हियर अस सो इट वॉज वेरी स्केरी एंड वो प्रपेलर्स जो थे चॉपर के वो थे आर्मी चॉपर्स
सो एक घट 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 होता है, ये धड़ धड़ ऐसे आते थे एंड इट वॉज सो स्कैरी दैट एंटायर थिंग. मैं खाली प्रे करता था कि कब जल्दी ख़त्म हो जाए एंड वी गेट डन विद दिस जम्प. एंड दिस बॉय जस्ट नॉट बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म और ही इज सिटिंग विथ मी, बिल्कुल भी एक बार भी घूम के ये नहीं, यार गाइज यू आर नॉट रेडी, जो आमतौर में हो जाता है. वी यूज टू से यूज टू जाम रन एंड यूज टू टर्न अराउंड एंड सी एंड वी यूज टू से इट वॉज अ कट, वी यूज ओके. और वो पत्ते उड़ना जो कह रहे हैं लगना, वाकई में हम 100 feet दूर थे एंड वी यूज टू फील दैट ट्रेमर एंड ही वॉज लाइक 20-30 feet अवे, तो दैट वॉज स्कैरी. एंड एक था वेन एक ड्रोन शॉट चाहिए था हमें, और हमारी ख्वाहिश टेक्टिशियंस की कभी ख़त्म होती नहीं, ये खुद पहाड़ पे चढ़ रहे पानी के बीच में एंड द ड्रोन हैड टू जस्ट कम क्लोज टू हिम. वो ड्रोन नज़दीक आया एंड इट लॉस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इट जस्ट वेंट ऑन टाइगर्स फेस एंड टाइगर का बैक था. लकीली ही टर्न और उन्होंने डक किया. आई मीन आई एम टेलिंग यू, उस वक्त टाइगर टुक 15 minutes ऑफ एंड ही सेड रेडी फॉर द नेक्स्ट शॉट. आई नो इट कि अगर मैं होता तो उस दिन के लिए आई वुड हैव गॉट कोल्ड फीट. सो ऑल दीज थिंग्स हुई हैं बागी 2 में एंड आप देखेंगे एक्शन में द वे इट्स गॉन. दैट्स व्हाई ये हमने कट रखा था टू शो हिज रियल साइड. एक सवाल और, जिस तरह से आपने फीलअप किया इस फिल्म के लिए, क्या रैम्बो की फिल्म या सिल्वेस्टर स्टैलोन कोई रेफरेंस पॉइंट था इस फिल्म के एक्शन के लिए, और जो आपने बॉडी बनाई है उनकी फिल्मों से कोई रेफरेंस लिया है एक्शन के मामले में? आई थिंक बिल्कुल. और मेरा जो किरदार जो मैं निभा रहा हूँ इस मूवी में रिक्वायर्ड मी टू लुक अ सर्टेन वे, यू नो, दो टाइमलाइंस के साथ खेल रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ा. देयर्स अ सेक्शन वेयर आई हैव टू लुक लिटिल मोर मैच्योर, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अहमद सर का रिक्वायरमेंट था कि आई पुट ऑन लिटिल मसल फॉर सर्टेन सीक्वेंसेस. This was the same movie in which you got hurt while rehearsing for a dance. You were injured, na? Sprain hua tha. Oh, the ankle. Yeah. Thoda elaborate karo. Elaborate. Usne khadi thi. Actually, my ankle is pretty weak, or already mere 3 fractures ho chuke hain ankle mein. And even if my ankle goes a little off, ya kuch bhi hota hai, ya fir maine हल्का भी कुछ ऐसा किया जिससे मेरा एंकल मुड़ गया, तुरंत इट ब्रेक्स. सो दैट्स इट. टाइगर हैज बीन सपोर्ट टू यू फॉर ऑल दिस. या आई हैव दीस 2 सपोर्ट्स सिटिंग नेक्स्ट टू मी. ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड वी हैड अ ग्रेट टीम. बिकॉज ये सब अचीव करने के लिए आई थिंक यू रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल. आप 30 मार्च को देखेंगे. बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस बिकॉज हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड वी शेयर दिस गुड बॉन्ड. एंड हमने एक्चुअली सोचा था स्टार्टिंग में काफ़ी फ़नी होगा बिकॉज इमेजिन आपके साथ कोई फ्रेंड है जो आपके साथ कुछ सीन कर रहा है जहाँ आप रो रहे हो या कोई फ़नी फेस बना रहे हो, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट योर कोस्टार टू लाफ एट यू, मतलब कोस्टार कम फ्रेंड. बट लकीली अहमद सर थे एंड हम लोगों ने पहले से सारी वर्कशॉप करके रखी हुई थी, तो हम लोग ऑन सेट जाते थे लिटरली 1 या 2 take लेते थे मैक्स फॉर एनी सीन. हाँ, इमेजिन 1 or 2 take डन. सो अहमद सर का खौफ था हमारे ऊपर, तो हम लोग जल्दी जल्दी बस सारे सीन निपटाते थे कि अहमद सर गुस्सा ना हो जाए. सो आई वर्क विद जैकी सर, जैकी चैन, एंड आई वर्क विद टाइगर. दोनों बहुत हंग्री है और जैसे कि सर ने बोला कि यू नो टाइगर बोलता था यहाँ से नहीं यहाँ से जंप करूँगा, इट्स सेम लाइक जैकी चैन. जैकी सर का भी क्या नहीं, ये इतना तो मैं दिखा चुका हूँ, मुझे और दिखाना होगा, मुझे और कुछ रिस्की करना पड़ेगा. तो आई थिंक इन दैट वे दे रियली यू नो एक मुझे वो एक सिमिलैरिटी दिखता है. और दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, दोनों बहुत पैशनेट है और दोनों एक्शन में ऑसम है. स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग. अच्छा, दिस इसमें थोड़ा ज़्यादा रोल हो, ज़्यादा. तो आई एम सेइंग कि वो जो professionalism I learned from Disha in this. Oh God, sir, I'm genuinely telling you. मैंने उस टाइम नहीं कहा, नहीं तो she would take it for granted. हंसते रहो.
And Tiger, on the other hand, is he comes from home with aaj ka kaam. He comes like this, and when he till he reaches the set, he is grown over that work. He says, "Sir, isse bada kare." Just Tiger kar to lete. So with him, it is stupid to say ke yaar soch ke aata hai, lekin yaar set pe wo karke bhi dikha deta hai. So that is ke yaar. ये दोनों से दैट्स व्हाई आई सेड इतना मुतासिर हुआ मैं इन टर्म्स ऑफ सीइंग देयर वर्क ऑन सेट के दे आर थॉरो प्रोफेशनल्स बट यू हैव टू नो दैट ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड द बेस्ट थिंग अभी कुछ समझ भी नहीं आया तो डायरेक्टली सर से पूछो सर ये सीन में आपको क्या चाहिए ही विल एक्ट इट आउट एंड मेरा पार्ट भी टाइगर का पार्ट भी कोई और है उसका पार्ट भी तो चारों लोगों की एक्टिंग करके दिखा देंगे कि ऐसा नहीं करना इतना गंदा हो रहा है नहीं नहीं एंड ये फिल्म में जैसे दिशा का किस मैं देखो एक फिल्म होती है बागी टू हम बना रहे हैं टाइगर इज डूइंग ब्रिलियंट एक्शन चलो ग्रेट यूएसपी बागी टू सीक्वल ग्रेट यूएसपी साजिद नडियाडवाला कमिंग विथ ऑल द बेस्ट एज अ प्रोड्यूसर ही कैन गिव अस बट इस फिल्म की दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कहानी और वो कहानी है लड़की की और वो लड़की है दिशा सो व्हेन यू विल सी द फिल्म आपको लगेगा कि एक्चुअली ये कहानी है फिल्म में और ये पिक्चर कुछ कह रही है एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल नेहा एंड शी ड्राइव्स द फिल्म सो आपने मैन मैन देखा एक्शन देखा सब देखा बट इसके पीछे यू विल फाइंड द सॉफ्टनेस ऑफ अ गर्ल एंड वो स्टोरी जो है इज एक्चुअली दिशा दिशा का स्टंट जैसा कुछ है नहीं फिल्म में बट एक एक्शन है जिसमें दिशा इज एक्चुअली अ गर्ल वो कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि मैं भी मार सकती हूँ और बदला ले सकती हूँ यू रियली फील फॉर हर उस एक्शन में और उस फिल्म की कहानी वो है वहाँ से वो बीज उगती है और ख़त्म होती है टाइगर श्रॉफ बर्निंग डाउन द एंटायर जंगल तो वो पहली लड़ाई से फिल्म की कहानी शुरू होती है और आखिर में उसे रॉनी ख़त्म करते हैं सो ऐसा कुछ है नहीं कि यू कैन सी ग्रेट एक्शन फॉर दिशा इतनी प्रिटी ब्यूटिफुल मैं तो कहता हूँ कि ये वैक्यूम हो गया था स्लेंडर टॉल ब्यूटिफुल गर्ल्स एज हीरोइंस एंड देयर वी हैव गॉट यू एंड प्लीज एक्सेप्ट वॉट एवर शी इज़ डन Because you will love it. Too much. I can't digest. There's a lot of, you know, a lot of how do you tell the story of the girl? How do you take care of safety measures when it comes to not only the lead actors but also stuntmen and the crew? Because it's always dangerous. So. See, Tiger is, जब ये करते हैं action, वो दिखता है बहुत तूफानी, धुआंदार. But he is a very careful boy when it comes to people around him. तो उनके खुद की टीम है विक्रम नदीम कुलदीप ये सब जो लड़के हैं भाविन ये सब आते हैं and they all are all the time around him and वो सब सिक्योरिटी देख लेते हैं And when he does it, he doesn't stop. I call him a raging bull. When he goes for it ना तो Tiger Shroff can go through a wall. But there are certain actors who can damage you know fighters. But he is a person वो 10 बार रिहर्सल करेंगे एंड देखेंगे कि फाइटर को टच भी नहीं करते हूँ तो ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट दैट तो सेट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब एक हीरो एक्ट मारता है फाइटर को तो फाइटर को मार हीरो से ही लगती है तो जब हीरो ही केयरफुल है सो आई डोंट थिंक बाकी लोगों को इतना रिस्क होता है ऑफकोर्स वी हैड अ सेफ्टी मेजर्स वी हैड एन एम्बुलेंस ऑन द सेट वी हैड अ डॉक्टर ऑन द सेट प्रतीक बब्बर को चोट भी लगी थी फर्स्ट एक्शन में ही एंड टाइगर ऑल्सो रियली हेल्प्ड हिम एंड गाइडेड हिम के आइसिंग करो ये करो देन इट वॉज दैट वॉज देयर बट आई वुड लाइक टाइगर टू से दैट हाउ डू यू डू योर एक्शन विद सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू पुट आउट अ मैसेज खासकर सारे बच्चों के लिए क्योंकि दे यू नो दे रियली यू नो लुक अप टू द स्टफ आई डू सो आई वांट टू टेल देम दैट ऑल ऑफ दिस इज डन अंडर सुपरविजन सेफ्टी एंड थॉरली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम अलोन ओके how do I do this? I don't know. I want sir action बोलते हैं मैं कूदता हूँ कट बहुत ही सिंपल है यार प्लीज हो गया नहीं हो गया
ओवर के सवाल को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अहमद आप पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि ओवर द इयर्स कैसे सेफ्टी मेजर्स में ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन आया है, बिल्कुल। आई रिमेम्बर मैं हम लोग शूटिंग कर रहे थे और मैं रोज़ कहता था टाइगी कॉल डैड ऑन द सेट, जगुदा को बुलाओ, जगुदा को बुलाओ, एंड इज टू कॉल मी, बच्चे आग लगा दोगे, ये कर दोगे, एंड इज टू सेंड लोकेशन पिक्चर्स एंड इज टू रियली एनकरेज, एंड सेट पे कभी नहीं आए। एक दिन वो गोवा पहुँच गए एंड सडनली रूम में मैं गया तो ही केम फॉर 5 मिनट्स, ही डिडन कम ऑन द सेट, एंड ही जस्ट हेल्ड मी, हग्ड मी एंड ही सेड टाइगर तुम दोनों आग लगा दोगे, एंड वो एक एक्शन कट मैंने दिखाया उनको एंड ही सॉ दैट कट एंड ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि टाइगर ने वो किया, गाड़ी आके टाइगर को एक शॉट लिया जिसमें गाड़ी ने टाइगर को ठोक दिया है और वो स्क्रीन में आप देखोगे ही इज फ्लोन एंड ही लैंड्स ऑन द कार, तो वो बैंग हुआ है क्योंकि वो कैमरा गाड़ी के अंदर भी लगा था एक, एंड उन्होंने वो देखा और खाली बोला टाइगर जस्ट टेक केयर, पर ही सेड डैड मैंने ये पहना था, सेफ्टी चीज़ें। जगुदा वो लोग जब करते थे तो कहाँ से जंप मारते थे और नीचे खाली बॉक्सेस होते थे, कार्डबोर्ड लगाते थे पैरों में यहाँ पे कि गिरे तो लगे नहीं, उस टाइम पे केबल वगैरह का आइडिया नहीं हुआ करता था, देयर वॉज नथिंग एज VFX, जो हीरो ने जंप मार दिया सबके घुटने टूट चुके हैं, बट आई कैन से टुडे दर फाइट कोऑर्डिनेटर्स जो हम लाते हैं हमारे हिंदुस्तान के या बाहर के, उनकी रिगिंग और इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं विच इज़ डेफिनेटली आई कांट से 100%, 25% सेफ्टी है। बाकी आप गिरोगे अगर एक पर्टिकुलर जगह से, वो इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट होता ही है, सो द एक्टर हैज़ टू ट्रेन हिमसेल्फ कि ही इज़ अनदर 25%, तो आई कैन से दिस 50% सेफ्टी, 50% रिस्क। पहले 5% सेफ्टी था, 95% रिस्क। So today I think we are far more better. So don't you think there should be something like a committee where if actors, if they go through an accident, they are taken care of, because we don't have that. Yeah, of course, wo hona chahiye na. Absolutely. But you know, I feel very. To add to that, I feel more for the stuntmen of union and true. All the fighters. Because jo mehnat wo karte, I don't think any of the other. People do, yeah. They put their bodies on the line every day. Aur jo izzat jo they should be getting, the respect, the recognition, matlab wo I don't think is enough for what they do. I mean, you're literally stepping out of your house, you're saying bye to your family one day. You never know if you're going to come back the very same evening. So, you know, jo fighters karte, I don't think koi aisa kuch kar sakta hai industry mein. And the recognition that they get is very less. So, you know, my goal is if Baaghi 2 inshallah becomes a success, inshallah. And Baaghi 3 as well, if I become recognized as an action hero, then I would want to do something for all the fighters in the industry and, you know, all the stuntmen, and do some sort of stunt awards, yeah, kuch to unke recognition ke liye or something, you know, because I just feel they should get more than they deserve. Kabhi aapko kabhi dad ne advice kiya hai ki action karte waqt ye mat karo, wo mat karo? वो हमेशा टोकते रहते सर, मतलब ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस आदमी है और वो खुद एक एक्टर है, एक्शन फिल्में करते थे, तो आई थिंक ही इज एक्सपीरियंस्ड, दैट्स व्हाई ही इज बीन गिविंग मी अ लॉट ऑफ सेफ्टी टिप्स। या अहमद, यू अंडरस्टैंड यू हैव टू गो फॉर बीपी, बट वेट फॉर द लाइक 5 मिनट्स। ओह गॉड, हां बोलो बोलो, दिस क्वेश्चन इज प्लीज वेट, क्यूट। Third time at the home turf now. What? Are you asking me, sir? Yeah. It's Nadiyar Mala. Oh yeah, definitely. Third time and. It will be hat-trick of hits. Sir, मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता, पर because you know we've been getting so much love and appreciation for our promos and everything, it gives us a self sort of confidence. हालांकि मैं बहुत खुश हूँ और मैं जब भी साजिद सर के साथ काम करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यू नो, आई सेम फीलिंग आई गेट आई एम यू नो बिहाइंड दिस कैमरा, आई फील लाइक आई एम इनविंसिबल, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्राइडे, अ गुड सक्सेसफुल फ्राइडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर बागी 3। Remembered Miss Shriji with you. How do you? I can't relate to it at all. I
it's too much. I don't think I'm anywhere close to her. She's an icon. And he's a very, very nice, good-hearted person for saying that. He's just trying to make me feel good, but I don't think I'm anywhere close to her. Yeah, I'm saying it because I worked with her when I was 11. मैं 11 साल का था and तभी मैंने वो legendary lady के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है. जब मैं बड़ा हुआ I was an assistant, मैंने तभी काम किया हूँ and आखिर तक I was very close to her. तो उन जैसी हीरोइन मैंने आज तक नहीं देखी है. तो मैं कहता हूँ अगर दिशा 25% भी उनसे थोड़ा सा ले लें तो आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट. सो आई जस्ट सेट के वो कट ऑफ और इन, मैंने एक हीरोइन को करते हुए देखा था बचपन से एंड मेरी फिल्म जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी वैसे ही कर रही है तो आई पास इट. नहीं तो कोई और डायरेक्टर होता तो कहता कि नहीं बी इन द सीन, बी इन द सीन. तो वो मुझे एक उनसे कुछ झलकी नज़र मैंने देखी थी तो वो आई अप्लाइड ऑन हर. देखो टू बिगिन विद इतना बड़ा आइकॉनिक गाना है, एक दो तीन, वो कोई और करता तो मैं भी कमेंट कर देता. ओके, यू शुड सी द बिगर पिक्चर कि हमने इतना बड़ा ये उठाया है कि वी ट्राइड इट एंड कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव आना वही हमारा, हम उसके लिए तो बैठे हैं. हर टाइम यू कांट बी पॉजिटिव, हम नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं बट वॉट एवर इट इज़ आई एम हैप्पी दैट मिस्टर रेनचंद्रा कॉल्ड मी, ही प्रेज्ड मी एंड गणेश आचार्य माई फ्रेंड जिन्होंने कोरियोग्राफ किया, सरोज जी ने इमोशनल हो गई थी, हम उनके घर गए मैं और गणेश, वो इतना खुश हो गई थी कि उन्होंने हमें दुआएं दी. यार मुझे ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, द मेकर्स ऑफ द सॉन्ग, जिन्होंने वो गाना सोचा, जिन्होंने गाना कंसीव किया, ऐसा स्टेज होगा, ऐसे एक एक्टर होगी, उसमें माधुरी जी ने परफॉर्म किया और चार चांद लगा दिए. हमने कोशिश की 10% हम वहाँ पहुँच जाए एंड आई थिंक सो हम 25% पहुँच गए. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद वॉट एवर द आउटकम इज. Great visuals. Jacqueline has done a fantastic job as a dancer in that. And Ganesh ne usse shoot waise kiya jaisa humne unhe kaha tha shoot karne ke liye. Ab wo jaisa bhi hoga, we are ready to take everything. Thank you. 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 बट वो था ही नहीं कि यार हम इनको भी दिखा के पब्लिसिटी लेंगे, उनको भी दिखा के पब्लिसिटी लेंगे. वो माधुरी जी एक दो तीन गर्ल थी और वो ता उम्र रहेंगी, उसके बाद 10 लड़कियां करेंगी. हमने कोशिश की नई मोहिनी दे दो जैकलिन के रूप में, जो मॉडर्न लोग को, यूथ को पसंद आए, और टाइट बॉडी, रिप्ड एब्स एंड शी इज डन इट ऑल एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस. बट बोलो हाँ टाइगर जॉब देंगे. अरे क्या बोला, डबल रोल. साइन कर दिया प्रोड्यूसर ने, भाग भी नहीं सकते और ना प्रोड्यूसर को भागने देंगे. थैंक यू गाइस, थैंक यू.